वर्तमान देश में कोरोना तार काय विस्तार करथिला बेले समग्र देश में चिकित्सा अभाव बहुत रोगी मृत्युबरण करछन्ती। कारण देश में देखा दैछि बेड वेंटिलेटर और ऑक्सीजन रो अभाव सेथिरु बाद पड़िनी बरगढ़ जिला। एहाकु दृष्टि रखी आज बरगढ़ विकास मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल रे वीडियो कॉन्फ्रेंस माध्यम रे 100 सज्जा विशिष्ट आईसीयू वेंटिलेटर रो शुभ उद्घाटन करछन्ती केंद्र मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। एथिनिमते आईयूसीएल रो सीएसआर फंड रु आर्थिक सहायता जोगाई दिया जायतिबा जाना पड़िछि। एहा द्वारा बरगढ़ तथा पश्चिम ओडिसा रो सबु वर्गर लोक माने विशेष भाबरे उपकृत हेबे बोली कहिछन्ती केंद्र मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। किभली सुलभ मूल्य रे आईसीयू वेंटिलेटर गरीब श्रेणी रो लोक माने पाई परिबे एवं वर्तमान सेवा करिवार दिन बोली कहिछन्ती केंद्र मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। केन्द्रमन्त्री कथारे अनुप्राणित हुई मात्र एक टंकारे गरीब श्रेणी लोकंकु आईसीयू वेंटिलेटर जोगाई दियाजिबा बोली कहिछति विकास मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल रा चेयरमैन डी मुरली कृष्णा। सर ये जो 100 वेंटिलेटर युक्त वेंटिलेटर सुविधा आमर बरगढ़ जिला पाई नुहे पश्चिम ओडिशा समस्त जिला पाई एटा गोटे गोटे गिफ्ट बाय आम ऑनरेबल मिनिस्टर श्री धर्मेन्द्र प्रधान तंकर मिनिस्ट्री तरफ रु आउ जेहेतु एबे वेंटिलेटर गोटे जंत्रटा सेटा सार देइछन्ती एबे बहुत बड़ा दायित्व विकास हॉस्पिटल रो परिवार ऊपर अछि। मु आशा करूची निश्चय जो प्रकार कमिटेडली डेडिकेटेडली विकास गत 3 वर्ष है स्वास्थ्य ये जो क्षेत्र सेवा करूची मु आशा कर निश्चय ताको पूर्ण कर आज जेहेतु आमको गोटे प्रथम तरफ किसी गोटे किसी गोटे अनुदान प्रथम तरफ मिली आम रेसीपिकेट करुचु। वेंटिलेटर गोटे चलवापे सदा बेले 5-7 हजार टाँग गोटे दिन को खर्चा थाए कि जेहेतु गोटे मंत्री आमको सेटा गोटे जोगे आमे गरीब लोकंकु जोटा आमर मान्यवर विधायक आमर जनप्रतिनिधि जदि तांको रेकमेंड करबे आमे मात्र टंकाटे दिनकु ताकु चार्ज करकी लोकंकु आमे वेंटिलेटर सुविधा जुगाई देबु। और तार संगरे आमे एबे जहाँ भी हॉस्पिटल बेड अछि राज्य सरकार निर्देश देछि जे 50% बेड आपन राज्य सरकार निर्धारित करतिबो टैरिफ रे नहुंतु बोली सेटा ऑलरेडी आमे लागू करिछु आ तार उपरे आमे प्रतिबद्ध भी अछि। देखो जो कष्ट एवं जंत्रणा पाइलु आम द्वितीय तरंग समय मुख्यतः बरगढ़ रे वेंटिलेटर युक्त आईसीयू रो अभाव कारण रोगी जो कष्ट पाइले जंत्रणा पाइले एवं बहुत रोगी देहांत मध्य हला एवं मन जो विचलित होता किमित सामना करवा किमित समाधान करवा देशर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सीएसआर एक्टिविटीज को कोरोना लड़ाई रे व्यवहार करिवार जो प्रयास धर्मेन्द्र प्रधान केंद्र मंत्री पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस तांकर जो प्रयास फल आज आईओसीएल रो सहायता रे 100 वेंटिलेटर युक्त आईसीयू प्रतिष्ठा हला उद्घाटन हला एवं सबुठारो महत्वपूर्ण विषय हला जे वेंटिलेटर युक्त आईसीयू रे रहिवार जो खर्च पड़ुतला सेटा मध्ये गरीब लोक देबाटा संभवपर नथिला। कोरोना जितकी घातक थिला जितकी कष्ट दौला कोरोना रो चिकित्सा मध्य ताठरु अधिक कष्ट दौला आज धर्मेन्द्र प्रधान प्रस्ताव को ग्रहण करिकरी विकास ग्रुप रो जो मैंने मैनेजमेंट रे अछंती श्री मुरली कृष्णन से घोषणा कले जे आसंता 3 मास पई निशुल्क किंबा सांकेतिक शुल्क नहींकरी वेंटिलेटर युक्त आईसीयू रोगी मानको प्रदान करा जीवो एटा मते लागुछि जे जो माने रोगी एवं जो माने गरीब रोगी से मानक बहुत बड़ सहायता एटा हबो। प्रधानमंत्री को धन्यवाद केन्द्र मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान को धन्यवाद एवं जो माने ई काम रे लड़ाई रे लड़ुचंती आज मध्य आवश्यकता अछि केन्द्र सरकार राज्य सरकार जनप्रतिनिधि ऊपर तल पर्यंत जनप्रतिनिधि एवं सामग्रिक भाव में समाज समस्त मिलित भाव में लड़ाई लड़ी कोरोना को हरेबा कथा मते लागुछि आज दिन में माँ समली मोर प्रार्थना जे आमको समस्त को पर्याप्त शक्ति दिंतु ये द्वितीय तरंग एवं संभाव्य तृतीय तरंग जोटा चर्चार अच्छी उभय तरंग को सामना करने उभय लड़ई में निर्णायक भाव में कोरोना को हरियाप पर्याप्त शक्ति सामर्थ्य प्रभु जगन्नाथ माँ समली आमको समस्त को दिंतु। थैंक यू।
ସାର୍ ଆଜି 100 ଭେଣ୍ଟିଲେଟର 100 ବେଡ୍ ଉଦ୍ଘାଟନ ହୋଇଛି, ମାନ୍ୟବର କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି, କେମିତି ରହିଛି ସ୍ଥିତି, ବାସ୍ତବରେ କେତେ ସହାୟକ ହେବ ଏହାକୁ କ'ଣ କହିବେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସାରା ଭାରତବର୍ଷରେ କରୋନା ସ୍ଥିତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭୟାନକ ଏବଂ ମୋଟାମୋଟି ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଞ୍ଚଳ ଏଥିଦ୍ୱାରା ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ପ୍ରତିଦିନ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି, ହଜାର ଲୋକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଉଛି, ଏ ଖବର ଆମେ ଦେଖୁଛୁ। ତ ଏ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ଚିନ୍ତାଜନକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସେଥିରେ ଆମର ଯଥାସମ୍ଭବ ହେଲ୍ଥ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍କୁ ବଢ଼େଇବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଅନେକ ଜାଗାରେ ଭେଣ୍ଟିଲେଟର ଅଭାବ ରହୁଛି, ଅନେକ ଜାଗାରେ ଆଇସିୟୁର ଅଭାବ ରହୁଛି। ଦିଲ୍ଲୀ ଭଳିଆ ଦେଶର ରାଜଧାନୀରେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଅଭାବରୁ ଲୋକ ମରିଯାଉଛନ୍ତି। ତ ସେ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆଜି ବରଗଡ଼ରେ ଆଇଓସିଏଲ୍ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ ନେଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର କର୍ପୋରେଟ୍ ସୋସିଆଲ୍ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ନିୟମ ଅନୁସାରେ ସେମାନେ ଏଠି କିଛି ଅଧିକା ଭେଣ୍ଟିଲେଟର ବେଡ୍ ଯୋଗାଇ ଦେବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ, ଯାହା ଆଜି ମାନ୍ୟବର କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ତାକୁ ଲୋକାର୍ପିତ କଲେ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯେ ଅନେକ ପରିମାଣରେ ଅନ୍ତତଃ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ପରିସ୍ଥିତିର ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ ଏଇଟା ଆମକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ସାହାଯ୍ୟ ଦେବ ଏବଂ ସାଧାରଣ ଗରିବ ରୋଗୀ ଯେଉଁମାନେ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା ନିଶ୍ଚୟ କାମ ଦେବ ବୋଲିକରି ମୋର ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି। ଭାଇ, ମୋର ତ ଗୋଟିଏ ବାର୍ତ୍ତା ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ରାଇସିସ୍, ଏ କ୍ରାଇସିସ୍ର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାର ସମସ୍ତଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ। ଆମେ କେବଳ ଭାବିବା ଯେ ସରକାରମାନେ ହିଁ ତାକୁ କରିବେ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କରିବେ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କରିବେ, କଲେକ୍ଟର କରିବେ, ଏସ୍ପି କରିବେ, ଆମେ କିଛି କରିବା ନାହିଁ, ଇଏ ଗୋଟେ ଭୁଲ ଧାରଣା। ନାଗରିକ ଭାବରେ ଆମର ସମସ୍ତଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ରହୁଛି। ସରକାର ଯେଉଁ କୋଭିଡ୍ ନିୟମାବଳୀ ଜାରି କରୁଛନ୍ତି, ସେ କୋଭିଡ୍ ନିୟମାବଳୀକୁ ଆମେ ଅକ୍ଷରେ ଅକ୍ଷରେ ପାଳନ କରିବା ଦରକାର। ସୋସିଆଲ୍ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସିଂ, ମାସ୍କ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଏବଂ ଯେଉଁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ସରକାର ଦେଉଛନ୍ତି ତାକୁ ଯଥାସମ୍ଭବ ଆମେ ଯଦି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ତରରେ ଏବଂ ପାରିବାରିକ ସ୍ତରରେ ପାଳନ କରିବା ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ବହୁତ ପରିମାଣରେ ଆମେ ସମସ୍ୟାର ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ ସମର୍ଥ ହେବୁ। ବରଗଡ଼ରୁ ସୁବାସ ଦୋରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ହାଇଲାଇଟ୍।